नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व के बारे में। मध्य प्रदेश के उन व्यक्तियों को देखते हैं जो चर्चित रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। राजनीति के चाणक्य 1930 में राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इन्होंने। द्वारका पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इन्हें क्या बोला जाता है, राजनीति के चाणक्य। और 1930 में राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भाभरा झाबुआ में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, झाबुआ में भाभरा 23 जुलाई 1906 को। फिर है माधवराव सिंधिया 1945 से 2011 तक लोकसभा सांसद गुना से रहे 1980 में। ग्वालियर से 1984 अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया था इन्होंने। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे माधवराव सिंधिया। आगे बात करते हैं कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पित्त पुरुष। याद रखिए कुशाभाऊ ठाकरे को क्या बोला जाता है, भारत के भाजपा के पित्त पुरुष। फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर में जन्मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 1977 में बनी जनता सरकार के विदेश मंत्री तथा 1980 से 1986 तक भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे। 1996, 1998 और 1999 तीन बार प्रधानमंत्री भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी संग्रह का नाम है, कविता संग्रह का इनका मेरी 51 कविताएं, इनकी कविता संग्रह थी मेरी 51 कविताएं। कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान आदि इनकी अन्य कृतियां थीं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखना इस बात को। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं हम लोग शिव मंगल सिंह सुमन। उज्जैन के श्री सुमन विख्यात कवि रहे। इनका निधन 2006 में हुआ था। ठीक, शिव मंगल सुमन का। फिर बात करते हैं नरेश मेहता। ये ज्ञानपीठ से सम्मानित थे। राहुल वार पोते नई दुनिया के संपादक रहे। फिर बात करते हैं विजया राजे सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से संबंधित विजया राजे सिंधिया राजमाता के नाम से लोकप्रिय थी। 1957 से लगातार कई बार लोकसभा की सदस्य भी रहीं। विजया राजे सिंधिया सागर विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही थी। फिर बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 में भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री बने शंकर दयाल शर्मा। 1987 में उपराष्ट्रपति बने और 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह। भारतीय सिविल सेवा ICS से त्यागपत्र देकर जबलपुर से विधायक और मंत्री बनने के बाद 1967 में पहले मुख्यमंत्री बने तथा बिहार के राज्यपाल भी रहे। बात करते हैं आगे
असलम शेर खां बैतूल में जन्मे इस हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बाद में बैतूल से कांग्रेसी सांसद चुने गए। अगले हैं बाल कवि बैरागी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल कवि बैरागी कवि, लेखक, गीतकार और राजनीति के रूप में प्रसिद्ध थे। विट्ठल भाई पटेल कवि, शायर और राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात। श्री पटेल मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे। फिर बात करते हैं लता मंगेशकर। इंदौर में जन्मी लता जी को स्वर सामग्री कहा जाता है। अगले हैं किशोर कुमार। खंडवा में जन्मे किशोर कुमार आदित्य प्रतिभा के धनी थे। जगदीश शरण वर्मा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद तक पहुंचकर राज्य को गौरवान्वित किया। जगदीश शरण वर्मा। आगे बात करते हैं रमेश चंद्र लाहौटी। गुना के ये सपूत भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी पद पर पहुंचे थे। रमेश चंद्र लाहौटी। रजनीश ओशो के नाम से विख्यात श्री राजेंद्र कुमार जैन उर्फ रजनीश का जन्म गाडरवाड़ा में हुआ था। उनके अनुसार 22 वर्ष की आयु में मौलश्री के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अशोक कुमार एक खंडवा में जन्मे अशोक कुमार जाने माने अभिनेता रहे। जियाउद्दीन दागर ये ध्रुपद गायन के महान कलाकार थे। बेगम अजगरी बाई छतरपुर निवासी महान शास्त्रीय संगीत गायिका थी। गामा पहलवान दतिया के निवासी गामा पहलवान ने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को हराया। फिर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू जावरा में जन्मे डॉक्टर काटजू उड़ीसा के राज्यपाल और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। 1957 से 1962 के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे कैलाश नाथ काटजू। अब बात करते हैं सुश्री उमा भारती। इनका जन्म 1959 में हुआ था। उमा भारती जी प्रसिद्ध साध्वी एवं राजनेता हैं, कुशल वक्ता भी हैं। इनकी रचनाएं स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ इंडिया, मानव भक्ति का नाता। तो याद रखिए उमा भारती की कौन कौन सी रचनाएं हैं, स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ इंडिया और मानव भक्ति का नाता। याद रखिए मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। ठीक है, फिर है अनिल काकोड़कर। बड़वानी में जन्मे ख्यात वैज्ञानिक जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके। फिर है कवि प्रदीप बड़नगर, उज्जैन में जन्मे ख्यात गीतकार हैं। सूरजाबाई खांडे भरथरी गायिका थी। प्रकाश चंद सेट्टी, श्री सेट्टी ने जन्म इनका 1920 में झावरा पाटन पे हुआ। श्री सेट्टी ने 1962 के पश्चात केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 1972 से 1975 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अर्जुन सिंह, इनका जन्म नवंबर 1930 को चोरहट जिला सिरी में हुआ था। 1980 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अर्जुन सिंह। 1985 में पंजाब के राज्यपाल बने और 1986 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने दोबारा। सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड भी है अर्जुन सिंह के नाम। और 2011 में इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं सुंदरलाल पटवा। श्री पटवा का जन्म 1924 में मंदसौर जिले में हुआ। मंदसौर के कुमडेश्वर में हुआ था। पहली बार 26 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और द्वितीय बार
5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब बात करते हैं शबनम मौसी। शबनम मौसी तो याद रखिए 2000 को सन 2000 में शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारत में पहली बार एक किन्नर शबनम मौसी ने रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिए भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी थी, जो मध्य प्रदेश की शहडोल जिले की सोहागपुर सीट से जीती थी। अगले हैं मकबूल फिदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्रकार हुसैन की कला प्रदर्शनी विश्व के कई देशों में लग चुकी है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई थी, गजगामिनी नामक फिल्म का निर्माण किया था इन्होंने। अगले हैं जादूगर आनंद। भारत के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जादूगर ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर थे जादूगर आनंद। ओम प्रकाश चौरसिया विश्वविख्यात संतूर वादक चौरसिया ने संतूर के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जावेद अख्तर 9 बार फिल्म अवार्ड से सम्मानित, 20 से अधिक सफल फिल्मों के पटकथा लेखक, भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित गीतकार लेखक, फिल्म जंजीर की पटकथा से फिल्म जगत में प्रवेश मिला था इन्हें। अगले आशुतोष राणा नरसिंहपुर गाडरवाड़ा के ख्याति प्राप्त कलाकार ने अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में अपने पैर जमा लिए थे। आशुतोष राणा। शबनम मौसी का किरदार इन्होंने ही निभाया। उस्ताद अली अकबर खां प्रसिद्ध सरोद सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्र थे। हंगरी स्ट्रॉन नामक फिल्म के संगीत हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। उस्ताद अली अकबर खां प्रथम संगीतज्ञ थे जिनका कार्यक्रम अमेरिकन टेलीविजन से प्रसारित किया गया। 1956 में कैलिफोर्निया में कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए। अगले हैं उस्ताद निसार हुसैन खां। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद निसार हुसैन खां हिंदू संस्कृति से अधिक प्रभावित थे। संस्कृत की सैकड़ों अष्टपदी और श्लोक उन्होंने कंठस्थ याद रखे थे। अगले हैं कृष्णराव पंडित। ग्वालियर घराने के कृष्णराव शंकर पंडित को संगीत विरासत से प्राप्त हुआ। ग्वालियर में इन्होंने गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। ख्याल गायन में इनका कोई सानी नहीं था। इन्हें हिंदुस्तान संगीत का सलाका पुरस्कार कहा जाता है। अगले हैं लक्ष्मण शंकर लक्ष्मण भारतीय हॉकी खिलाड़ी 1956-60-64 में भारतीय ओलंपिक टीम के गोलकीपर रहे। इन तीनों वर्षों से भारत ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता था। यह पहले गोलकीपर थे जो टीम के कप्तान बने शंकर लक्ष्मण। यह 1966 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के कप्तान भी थे। इनका निधन 2006 में महू में हुआ। अगले बंसी कौल। भारतीय नाटक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता निर्देशक एवं लेखक अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। अगले हैं डॉक्टर वसीर वद्द उर्दू शायरी के शीर्ष शायर एवं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मीर तकी मीर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर वसीर वद्द का नाम उर्दू शायरी के प्रथम पायदान पर है। तुम्हारे लिए आज आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का मुतालबा
आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगले हैं मेहरुत्तिसा परवेज, बहु प्रसंस्कृत कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इन्हें सुमद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, वीर सिंह जूदेव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आँखों की दहलीज, आदम और हब्बा, अकेला पलाश, अंतिम पढ़ाई। अगले निर्मला बुच, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य की पूर्व मुख्य सचिव, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन, गुजरात में राज्यपाल की सहायक और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अथॉरिटी में महत्वपूर्ण पद पर रहने वाली निर्मला बुच ने महिला चेतना मंच की स्थापना कर गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित भी हुई थी निर्मला बुच। अगले बाबा साहब पूंछ वाले, ग्वालियर घराने के संगीतकार थे, टप्पा गायकी के जनक थे। मुश्ताक अली विदेशी धरती पर शतक जमाने वाले भारतीय क्रिकेटर मुश्ताक अली हैं। जॉनी वाकर के नाम से चर्चित बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी हासवी नेता थे, जिनका निधन 2003 में हो गया है। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं कभी।